डीआर आईसीएसई एंड आईएसई स्टूडेंट 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, एक शॉकिंग रिवीलेशन सामने आया है। मैं आपको यह डेटा शेयर कर ले रहा हूं कि आईएसई के अब तक हुए क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट कहे जा रहे हैं, और सीआईएसई ने इन एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड में अपने होम सेंटर वाले आईसीएसई अफिलिएटेड स्कूलों में कंडक्ट करवाया है। इसको लेकर स्कूलों में प्रिंसिपल और स्टूडेंट की क्या राय है? शुरुआत इंग्लिश पेपर टू से। बहुत कम स्टूडेंट ने अनसेटिस्फेक्शन जाहिर किया, शो किया, लेकिन इंग्लिश पेपर वन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी है, ऑप्शन ठीक ढंग से नहीं है, और यह परसेंटेज 5 to 10 बताई गई। हिंदी ने इन सब की पोल खोल दी है, जब कहा गया है कि 30 से 35% स्टूडेंट डिफरेंट मीडियम पे, चाहे सोशल मीडिया हो या यूट्यूब चैनल हो या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपलों से कॉन्टेक्ट करके कहना हो कि वे कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में कई ऑप्शन गलत है, कई क्वेश्चन गलत है, और कई तो सीआईएसई के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर गलत है। अब इनमें सच्चाई क्या है, इसको लेकर सीआईएसई के स्पेशलाइज्ड कमिटी पता करेगी। अभी जो बातें सामने आ रही है कि स्टूडेंट को एक राइट है कि यदि वे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को लेकर अनसेटिस्फाइड होते हैं तो अपने स्कूल के प्रिंसिपलों को बता सकते हैं कि ए क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर में एरर है, क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन ठीक ढंग से नहीं दिए गए हैं, या ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, जिसके कारण स्टूडेंट को काफी परेशानी हुई इन एग्जामिनेशन के दौरान। ऐसा ही फीडबैक आईसीएसई अफिलियेटेड स्कूलों के प्रिंसिपल भी सीआईएसई को भेज सकते हैं या भेजते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पर यह काम होता है। थर्ड पॉइंट, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर बहुत सारे स्कूलों में स्टूडेंट ने बताया कि टफ है, हार्ड है, जो कि नहीं आना चाहिए। अभी जो ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट कन्वर्ट हुए हैं और एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर में एरर की बात फिजिक्स के पेपर में कही गई या नहीं, इस बात पर कोई रिपोर्ट नहीं। जैसे मेरे दोस्त और बाकी सारे जो संपर्क है वे बताते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के हार्डनेस यानी टफनेस लेवल को लेकर सीआईएसई को बहुत सारे कंप्लेन स्कूलों के द्वारा स्टूडेंट ने भेजे हैं, और कहा गया है कि इनकी जो मार्किंग स्कीम यानी कि जो भी आंसर आपने बनाया है उससे तो स्टूडेंट के मार्क्स काफी कम आएंगे, इसलिए इनके जो कॉपी चेकिंग है, स्टूडेंट के मार्क्स अवार्डिंग का सिस्टम है, वो काफी मॉडरेट होना चाहिए। और सेम इसी तरह का रिकमेंडेशन बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल ने अपने जो पेरेंट बॉडी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सीआईएसई है, जिसको हम आईसीएसई काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हुए बताया है कि स्टूडेंट की इन बातों को अभी इसलिए सुना जाना चाहिए, ये पहली बार एग्जामिनेशन के लिए सामने आ रहे हैं, इनकी बातों में काफी कुछ विश्वसनीयता हिंदी के क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट और उसके ऑफिशियल आंसर को देखने के बाद बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट टीचरों ने कहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फिशी, कुछ ना कुछ गड़बड़ मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वे ऑप्शन और क्वेश्चन में कहीं तरह का तालमेल नहीं बैठता है, तो कहीं पर जो एग्जैक्ट आंसर है सीआईएसई के द्वारा ऑफिशियल आंसर शीट जारी किए गए और इस चैनल ने भी उस आंसर शीट को पब्लिश किया है, उसमें कई प्रॉब्लम और कई तरह के एरर देखने की शिकायत स्टूडेंट ने की है। तो अब इस विषय पर क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट मालूम चलेगा मैं बता दूंगा, क्योंकि आईसीएसई क्लास 10th के इंग्लिश पेपर 1 से उनका एग्जामिनेशन 29 नवंबर को शुरू होना है। इसको लेकर भी काफी कुछ देश भर के 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट की निगाहें लगी हुई है। तो इतनी शॉकिंग रिवीलेशन के लिए एक थम्स अप। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय फॉर नाउ।